आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पन्ना जिले के गुनौर में आयोजित मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन में सहभागिता कर 677 करोड़ से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर कई सौगातें दी। आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। कार्यक्रम में सीएम श्री चौहान ने घोषणा करते हुए कहा कि फूटे हुए तालाब पर बांध बनाने का काम होगा। गुनौर के कॉलेज में सभी सब्जेक्ट की क्लास शुरू होगी। नर्मदा मैया का पानी यदि तकनीकी रूप से लाना संभव हुआ तो पानी लेकर आएंगे। नगर परिषद गुनौर, रामानगंज और देवेंद्र नगर को विकास के लिए 1-1 करोड़ की राशि दी जाएगी। आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राखी भाई और बहनों के बीच स्नेह का बंधन है। बहनों, इस राखी के कच्चे धागे की कसम, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। बहनों को दूसरे के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए हमने तय किया है कि बहनों के खाते में हर महीने 1,000 रूपए डाले जाएंगे। आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। कार्यक्रम में सीएम श्री चौहान ने कहा कि एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जनता की सेवा कर देश को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हम मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी बदल रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। पन्ना जिले के गुनौर में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जनदर्शन कार्यक्रम में सहभागिता की। इस दौरान अपार जनसमूह द्वारा मुख्यमंत्री श्री चौहान का आत्मीय स्वागत किया गया। आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज श्यामला हेल्थ स्थित उद्यान में गुलमोहर, नीम, कदम, मौलश्री और सारिका इंडिका के पौधे रोपे। आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। देवास जिले में स्नेह यात्रा निकाली जा रही है। सर्व समाज को जागरूक करने के लिए स्नेह यात्रा में राजस्थान से संत श्री मुक्तानंद महाराज पधारे एवं सभी ग्राम में घर जाकर रक्षा सूत्र बांधे। आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। प्रदेश में 16 से 26 अगस्त तक स्नेह यात्रा निकाली जा रही है। सिंगरौली जिले में संतों द्वारा स्नेह यात्रा के अवसर पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में आज मंत्रालय सतपुड़ा एवं विंध्याचल भवन के अधिकारी कर्मचारियों को सद्भावना दिवस की प्रतिज्ञा दिलाई गई।